नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा और एक खुशी की बात आप लोगों को बताता हूं, अगर आपके साथ में भी फ्रॉड हुआ है, अगर आपके साथ में भी स्कैम हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर साइबर ठगों का लाइव रेड हो रहा है और साइबर ठगों को पकड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में नेटवर्क फैला था, दुनिया भर के वहां पे जो फ्रॉड हो रहा था, दुनिया भर के अंदर लोगों को लूटा जा रहा था, उसका हब निकला है भरतपुर। भरतपुर मेवात के अंदर आता है, मेवात के कुछ क्षेत्र भरतपुर का क्षेत्र रहता है, तो इसके अंदर आईजी राहुल प्रकाश के सुपरविजन के अंदर एक टीम गठन की गई और लाइव रेड की गई। दोस्तों आप लोगों के साथ में भी फ्रॉड हुआ होगा, लेकिन ये खुशी की बात आप लोगों को बताते हैं कि हम और हमारे जैसे कई लोग थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत से लोगों को उजागर किया कि आपके साथ में किस प्रकार से स्कैम हो सकता है, किस प्रकार से आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, आपको लोग कैसे कैसे लूटते हैं, सेक्स टॉर्चर किया जा सकता है, आपके साथ में सिक्कों के नाम पे फ्रॉड होता है, आपके साथ में अलग अलग तरीके जैसे जोमेटो वगैरह या फिर आप लोगों को नौकरी देने के जासे होते हैं, रेलवे में जॉब दिया जाता है, आप लोगों को पेन पेंसिल वाला पैकिंग जॉब दिया जाता है, यह सब फ्रॉड हुआ था आपके साथ। कई लोगों के साथ हाल फिलहाल में भी सिक्के या नोटों के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। तो दोस्तों दो दिन आप लोग उठा के देखिए, जितने ये फ्रॉड करने वाले सिस्टम वाले लोग थे, मैंने पहले ही कहा था कि इन सब एक एक का दिन आने वाला है, और हुआ क्यों यूं ही ऐसा। जी हाँ दोस्तों, आज का जो स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए मिठाई खिलाने वाला वीडियो है, खुशी वाला वीडियो है, क्योंकि जो साइबर ठग थे, लोगों को ठगते थे, लोगों के साथ स्कैम करते थे, उनकी लाइव धर पकड़ हो चुकी है। आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा आईजी राहुल प्रकाश की जो टीमें हैं, उन्होंने किस प्रकार इस अंजाम को अंजाम दिया था। बिल्कुल दोस्तों, लोगों के साथ में जो स्कैम कर रहे थे, किसी के पास में लाखों रुपए निकले, जो स्कैम करने वाले थे किसी के पास में 50 लाख 20 लाख, अलग अलग तरीके की फ्रॉड कर रहे थे। कई तरीके के फ्रॉड है, उसमें आप भी फंसे हो, आपके परिवार वाले भी फंसे। तो मेरे भाई, इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है, ताकि आप लोगों के जितने भी साथी हैं उनको पता चले कि वास्तव में स्कैम हो रहा है, वास्तव में फ्रॉड हो रहा है। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान देनी है, वीडियो को शेयर करना है। इनके अलावा दोस्तों, जब इनकी धर पकड़ करना स्टार्ट हुआ, बिल्कुल किसी को पता नहीं था, आईजी राहुल प्रकाश के सुपरविजन में एक टीम गठन करके उस क्षेत्र के अंदर टीम को दाखिल किया गया जहां पे ये स्कैम हो रहा था, और उनको सूचना मिली थी कि वहां पे अभी भी जो फ्रॉड करने वाले हैं वो बैठे हैं और स्कैम कर रहे हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के अंदर दिख रहा है कि पुलिस किस प्रकार से धर पकड़ करने के लिए जा रही है। आप बैकग्राउंड में भी वीडियो चल रहा है और आपके सामने भी वीडियो है, तो बिल्कुल देखिए पुलिस वाले किस तरह से लोगों को पकड़ने के लिए, उस फ्रॉडियर लोगों को जो स्कैम आप लोगों के साथ करते हैं, उनको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, और इन लोगों को गिरफ्तार भी किया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, हजारों इनके पास मोबाइल मिले, एटीएम्स मिले, लाखों की नकदी इनके पास मिली, और इनके पास में पैसे गिनने वाली मशीनें भी मिली, एटीएम मशीनें, पैसे गिनने वाली एम बैंकिंग मशीनें। तो दोस्तों ये सोच सकते हो, और आने वाले भविष्य के लिए सोचना इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग जागरूक करना होगा, क्योंकि ये चीजें आज आपके साथ हो रही है, आने वाले भविष्य में बढ़ भी सकता है। लेकिन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को ये लाइव वीडियो में देख सकते हो, जो आईजी है वो लोगों से वार्ता कर रहे हैं, एक जो इनके अंदर पंचायत कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये हमारे लिए कितना घातक है। ये लड़ाई केवल साइबर, सुनिएगा, ये बता रहे हैं कि ये लड़ाई पुलिस और साइबर क्राइम करने वाले लोगों की नहीं है, हमारे भविष्य की है। तो सुनिए एक बार ये छोटी सी क्लिप, आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल, ये लड़ाई है आपके भविष्य, बिल्कुल दोस्तों आप लोगों ने सुना कि आईजी कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी और पुलिस और जो साइबर क्राइम वाले उन लोगों की नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है, और इसमें हम सबको आगे आना होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि हमने ये चीजें क्लियर की थी कि साइबर आपके साथ में साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो आप ऑनलाइन शिकायत कीजिए। आपने आंकड़े उठा के देखिए, इस साल के अंदर 15 लाख से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज हुई है, साइबर क्राइम की ऑनलाइन रिपोर्ट्स, ऑफलाइन रिपोर्ट्स दर्ज हुई है, इसी का नतीजा है और हम लोगों की मेहनत का नतीजा है, जो रात दिन आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग इस प्रकार से स्कैम से बचना है। आप लोगों को कई तरीके से हमने बताए,
फ्रॉड अलर्ट वालों ने बताए, एके मॉर्निंग ने बताए हैं, राजज्ञानी जी, कई अलग अलग तरीके के जो यूट्यूबर्स हैं उन सब ने आपको स्कैम से रिलेटेड बताया है। तो आप लोग बिल्कुल इससे सतर्क रहना, हो सकता है आने वाले समय में और भी नया ये तरीका निकाले। इस समय 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कोई तो 50 लाख कमा रहा है, कोई करोड़ों में कमा रहा है, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, अलग अलग का अलग अलग सिस्टम है। तो आप लोगों सिक्के बेचना है, पैकिंग जॉब करना है, नौकरी करना है, भाई मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, आप लोगों से किसी भी चीज का एक भी पैसा मांगा जाता है, समझ लो वो फ्रॉड है, स्कैम है। और हमारी सरकार ने भी ये आईजी सुपर जो राहुल प्रकाश है इनको निर्देश दिए थे भजन लाल जी की सरकार ने कि भाई साहब आप लोग ये क्या कर रहे हो, आप इसके ऊपर अटैक कीजिए। और ये साइबर का बहुत बड़ा अटैक है, पहले जैसे जामताड़ा में हुआ था वही जामताड़ा से बढ़ के फ्रॉड हो रहा हमारे मेवात में। तो बिल्कुल अगर आपके साथ में कहीं पे भी स्कैम हो रहा है तो समझ जाना वो हो सकता है कोई मेवात का हो सकता है। साइबर क्राइम के अलग अलग ठिकाने हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो साइबर का हब माना जा रहा है वो मेवात को माना जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग मेवात की जो अपनायत है, मेवात का जो प्यार है, उसको भी खराब कर चुके और वहां की पंचायतें हुई है कि आप लोग ऐसी जो सिस्टम है, ऐसा जो लूट खसोट का काम है, इसको बंद कर दीजिए। इससे मेवात की जो छवि है वो धूमिल होती है, लोगों के अंदर मेवात के प्रति डर पैदा हो रहा है। तो अगर मैं मेवात के जो भी साथी है लोग है, अगर आपके क्षेत्र में कोई फ्रॉड कर रहा है तो आपका दायित्व बन रहा है आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, आपका दायित्व बन रहा है। इसी के कारण जिसके आपका आप उसको बताओगे उसके बाद में आपकी अपनायत बनी रहेगी। दोस्तों बिल्कुल आप लोगों के साथ में सिक्के और नोटों का खूब फ्रॉड हो रहा है या फिर सेक्टोर्शन किया जाता है, सबसे ज्यादा फ्रॉड अभी सेक्टोर्शन में किया जा रहा है। तो इससे आपको बचना है, यानी आपके पास में व्हाट्सएप पे अननोन नंबर का कोई भी कॉल आता है रिसीव नहीं करना है, रिसीव भी करो तो आप लोग कैमरे के सामने बिल्कुल मत आना। इनके अलावा कई ऐसे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, छुड़ाना है तो भैया इतने पैसे दो। भाई किसी की भी ऑनलाइन जो गिरफ्तारी होती है कोई पुलिस नहीं करती ऑनलाइन गिरफ्तारी, हमने देखे हैं कई तरीके के फ्रॉड ये सेक्टोर्शन के अनुसार कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आपने इसके साथ में गलत किया, आपने वीडियो बन गया, आपका वीडियो वायरल किया जाएगा, आपको पुलिस उठाने आएगी। भाई ऐसी कोई पुलिस नहीं है जो पहले सामने से अगले को कहेगी कि आप लोग पैसे जमा कर दीजिए वरना आप लोगों को पुलिस गिरफ्तार करेगी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है और बहुत ही बड़ा आप लोगों का जो प्यार था, आप लोगों का सपोर्ट था वो यूं ही बना रहे हैं। आप लोगों की मेहनत की बदौलत आप में से हजारों लोगों ने शिकायतें की है, जो हमने आप लोगों को बताया कि आपको 1930 या 155260 पे कॉल करके शिकायत देनी है, बहुत से लोगों ने यह सब काम किया। मेरे भाई आप ही लोगों की बदौलत यह सब कुछ हुआ है, आपकी बदौलत ये फ्रॉड सिस्टम वाले लोग जेलों के अंदर गए। और मैं क्लियर बता रहा हूं जो मैं कहता था कि ये फ्रॉड वाले सिस्टम वाले नंबर जो होते हैं इनके खिलाफ हम भी कार्रवाई करवा रहे हैं, तो वो भी जल्द गिरफ्तारियां होनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे भाई ये बहुत बड़ा मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान पुलिस को और राजस्थान पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस को और साथ में हमारी सरकारों को, जिन्होंने इस गिनोने काम का जो अपराध था इनको नकेल कसने का काम किया है, फ्रॉड ये लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। ये एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है, लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन राहत के साथ में आप ये लोग मत सोचना कि ये सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है नए तरीके से स्कैम करे, तो आप लोगों को अपनी जो सूझबूझ है इसके अनुसार काम करना है। आपको ना तो अननोन नंबर से कॉल उठाना है, ना आपको किसी लालच में आना है, नौकरी के लालच में नहीं आना है, पैसों के लालच में नहीं आना है। अगर इन चीजों के लालच में नहीं आओगे तो आपके साथ में स्कैम नहीं होगा। दोस्तों वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।